सबसे पहले हम मरीज से परमिशन लेंगे, इन्फॉर्म कंसल्ट किस तरह लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, वालेकुम सलाम। मैं आपका नर्स हूँ, यहाँ पे मेरी सुबह 8 से 2 तक ड्यूटी है। अब मैं आपसे परमिशन लेता हूँ क्योंकि मैं आपको ये कार्डिक मॉनिटर अटैच करता हूँ ताकि मुझे आपकी जो वाइटल साइन है वो मॉनिटर में कर सकूँ। आपकी परमिशन है? जी जी बिल्कुल कर अच्छा, लें। तो उसके लिए मैं आपका शर्ट ऊपर करूँगा ताकि मैं यहाँ पे आपके ईसीजी रीड लगाऊँ। परमिशन है? ठीक है बिल्कुल जी जी अच्छा, मैं आपका शर्ट ऊपर कर देता हूँ। ये हमारे पास 3 लीड्स हैं, इसमें 5 लीड्स भी हो सकते हैं, 3 भी थे, लेकिन हम 3 लीड्स की बात करेंगे। सबसे पहले क्या है, आर लिखा है, आर को देखो आप लोग। आर का मतलब क्या है कि मींस राइट साइड। आर का मतलब क्या है? राइट साइड। उसके बाद आपके पास कौन सा है? लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या है? लेफ्ट साइड। एल के मींस लेफ्ट साइड। एफ मींस फूट। फूट का मतलब क्या है? पाँव। सही। अब रीड योर ग्रीन बुक, वो एक फार्मूले पे रीड योर ग्रीन बुक, उसके हिसाब से हम लगाते हैं। लेकिन अब रेड हम लगाएंगे तो ये आपके पास क्या है? ईसीजी स्टेकर, ईसीजी लीड्स, इसको हम कह सकते हैं। पहले आप इसको यहाँ पे अटैच करो राइट साइड पे। इसको मैंने अटैच किया, कहाँ पे मैं लगाऊंगा? सेकर इंटरकास्टल स्पेस पे मैं लगाऊंगा। यहाँ पे यो आपके पास क्लीविकल है, क्लीविकल के बेरो सेकर इंटरकास्टल स्पेस पे मैं यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा इसको। सही। अच्छा, इसको हटाने का तरीके ये देख लो आप लोग, यहाँ पे उसका एक क्लिप है, इसको यहाँ से हम आसानी से हटा सकते हैं। देख लो, ओपन कर लो। जब ओपन किया आपने, सबसे पहले आप क्या कर लो, अब ये हम इसको किस तरह अटैच करते हैं, या इसको मैंने इस तरह अटैच किया। सही। अटैच करने से पहले फिर ये रेडी हो गए। सही। ये जगह जाइए, इसको मैं साफ़ कर लूँगा। सही। स्पिरिट सॉप के साथ मैंने इसको साफ़ किया। सही। फिर मेरे पास गैस पीस, उनके साथ मैं क्या करूँगा, ड्राई करूँगा। ड्राई किया मैंने। सही। इसको फिर यहाँ पे मैं इस तरह लगाऊंगा। सही। वन इसको मैं स्पिरिट सॉप के साथ साफ कर लूंगा, कॉटन के साथ मैं इसको ड्राई करूंगा। सही। कहाँ पे हम लगाएंगे, मैंने आप लोगों को बताया था जी, बोलो कहाँ पे? क्लेविकल के नीचे हम सेकंड इंटरकास्टल स्पेस पे हम लगाएंगे, स्टर्नम के साइड पे, लेफ्ट साइड हुआ। अब फूट हमारे पास है, फूट का मतलब क्या है? पाँव को। उस जगह को मैं साफ़ कर लूँगा, यहाँ पे देख लो, ड्राई कर लो। इसके ऊपर मैं ये फूट वाला लगाओ, देख लो ये मैंने यहाँ पे लगाया। मरीज को मैं कवर करूँगा, प्राइवेसी मेंटेन रखेंगे हम। सही। अब मेरे साथ देख लो ऊपर, ये आपके पास क्या है, पूरा ईसीजी आपके पास आ गया। यहाँ पे देख लो ईसीजी आ गया, 85 उसका हार्ट रेट है। सही। यहाँ उसके पी के ओ आर एस सब व्यूज उसके पास बनते हैं, समझ आ गई। ये 81 क्या है, उसके पास हार्ट रेट है। अब नेक्स्ट हमारे पास एस पी ओ टू और रिस्पायरेशन। ये रिस्पायरेशन भी उसके साथ आया क्योंकि रिस्पायरेशन ने हम ईसीजी के साथ भी कनेक्ट किया है, इसलिए इसके पास रिस्पायरेशन भी आया। 17 क्या है, रिस्पायरेशन है। अब हम इस पी ओ टू की अब हम देखेंगे तो हमारे पास किस चीज़ें हम लगाएंगे, हम इधर देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, प्रोब है। सही। इसको आप लोग देख लो, ये प्रोब है। इसमें अगर लाइट है तो इट मीन ये काम करता है, लाइट है तो क्या करते हैं, काम कर देते हैं। काम इसको किस तरह, लाइट को हम नेल्स के ऊपर इस तरह हम लगाएंगे। सही। इस पेशेंट का मैं लगाता हूँ यहाँ पे इस तरह, देख लो। अच्छा, ये प्रोब मैंने लगाया, यहाँ पे हमारे पास व्यूज आ गए। व्यूज को देखो, जो स्काई कलर के व्यूज है, 100 उसका क्या है, सेचुरेशन है। सही। साथ में 78 उसका क्या है, हार्ट रेट है। सेचुरेशन के साथ हार्ट रेट भी आता है। यहाँ पे 25 उसका क्या है, एक्सपायरेट रेट है। ये मरीज का हमारे पास वैल्यू है। अब हमारे पास एक चीज़ रह गया, वो हमारे पास क्या है, ब्लड प्रेशर है। ये हमारे पास बीपी कफ है, ये हमारे पास क्या है, बीपी कफ है। बीपी कफ में हमारे पास स्मॉल आता है, मीडियम आता है, लार्ज आता है, एक्स्ट्रा लार्ज आता है। सही। ये हमारे पास डिफरेंट साइज आते हैं, ये हमारे पास यहाँ से ओपन होता है, क्रश है। सही। इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो सबसे पहले मैं यहाँ मरीज को एक्सपोज करूँगा। यहाँ पे देख लो,
सबसे पहले मैं क्या करूँ, उसके ब्रिकल पल्स को पल्पेट करूँगा। यहाँ पे उसका क्या है, ब्रिकल पल्स हमें फील होता है, तो फिर ये लाइन ब्रिकल पल्स के साथ होगी। ये देख लो, ये लाइन लगा हुआ है तो इसलिए ब्रिकल पल्स के साथ हो, सही। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको लगाऊंगा ब्रिकल पल्स के साथ। ये बीपी कफ ना बहुत ज़्यादा टाइट होगा ना बहुत ज़्यादा लूज होगा। अगर बीपी कफ बहुत ज़्यादा टाइट है या बहुत ज़्यादा लूज है तो मरीज को हमारे ये रिजल्ट सही नहीं में दिया जाएगा। बीपी कफ मैंने लगाया, अब यहाँ पे देख लो कार्डिक मॉनिटर में एन आई बी पी में प्रेस करूँगा। प्रेस किया मैंने, यहाँ पे मजरिंग देखो, मैनुअल मजरिंग, कफ इन्फ्लेट हो रहा है। क्या हो रहा है, कफ इन्फ्लेट हो रहा है। ये इन्फ्लेट होगा फिर जब डिफ्लेट की तरफ आएगा तो उसके बाद हमें रीडिंग देगा। देखो 203, अब डिफ्लेट हो रहा है 172, 153, 155, 156, 146, ये क्या हुआ है, डिफ्लेट हो रहा है। आप इसको देख रहे हो, जब ये कम्प्लीटली डिफ्लेट होगा तो हमें यहाँ पे रिजल्ट दिया जाएगा। सही। ये हमारे पास क्या है, ब्लड की प्रेशर आया, तो बीच में हमारे पास क्या है, 81 क्या है आपके पास, हार्ट रेट आया, ऑक्सीजन सेचुरेशन, नेक्स्ट रिस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर। अब इस कार्डिक मॉनिटर को हम किस तरह आगे देखते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे, कार्डिक मॉनिटर को हम किस